सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल के बारे में। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल को कैसे, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाले गए हैं और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए, इसका डोज किसी दिन आप मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, और ये कैप्सूल का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, और ये कैप्सूल का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, और फंगल इन्फेक्शन में दिए जाने वाले कैप्सूल इतना यूजफुल क्यों है, और डर्मेटोलॉजी डॉक्टर और कॉस्मेटिक्स डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल, जो कि हमारे पास 7 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी अराउंड 157.50 यानी कि 157 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल को डिस्कवरी मैनकाइंड यानी कि मैनकाइंड फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसिस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है इट्राकोनोजस कैप्सूल बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया। इट यानी कि कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है इट्राकोनोजस 200 एमजी कैप्सूल। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल का यूज के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल फेस, वेजाइना, तवसा और शरीर के अन्य हिस्सों जैसे कि अंगुलियों और पैरों के नाखूने में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सरल भाषा में बताएं तो कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल का इस्तेमाल अगर आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट्स में है ना, कि हाथों या पैरों में, या फिर हाथों की अंगुलियों के बीच में या पैरों की अंगुलियों के बीच में कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपको पसीने की वजह से आपके जांघों के नीचे कुछ इचिंग्स खुज लिया, रिंगवर्म टाइप हो गया है ना, कि राउंड राउंड रिंगवर्म टाइप हो गया है, या फिर आपको रैशेस वगैरह हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके हाथों या पैरों पर कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपको बारिश में आप भीग गए हैं उसकी वजह से आपके जांघों के नीचे इचिंग्स खुजली या रिंगवर्म टाइप हो गया है, या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये कैप्सूल को यूज करने से वो ठीक हो सकता है। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल का डोज और डोसेंस की बात करें तो इसका डोज और डोसेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, और उसका डोज और डोसेंस नॉर्मली तौर पर ट्वाइस ए डे रहता है यानी कि सुबह नाश्ते के बाद एक कैप्सूल, रात को खाना खाने के बाद एक कैप्सूल, और 7 डेज कंटिन्यू ले सकते हैं वो भी अपने डॉक्टर की देखरेख में। और ये कैप्सूल का इस्तेमाल केवल एडल्ट यूज के लिए रहता है यानी कि जिसकी एज 20 साल से ज़्यादा है वही कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की देखरेख में, अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं यानी कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किए जा रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको मिसली आना, जुकाम होना, आपको हेडेक होना, आपको डायरिया, दस्त होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटिक्स डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि एट्राकोनोजस वो एक एंटी फंगल दवाई है। ये फंगल सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करके कवक को खत्म करता है, यह आपकी त्वचा के इन्फेक्शन का इलाज करता है। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, या कोई पेशेंट जो कि अल्कोहल का कंज्यूमस करता है, या कोई पेशेंट जिनको लीवर या किडनी से जुड़ी कुछ डिसीज है, तो इन कंडीशन में कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करें। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल को यूज करने के पहले अपने जनरल जैसे फैमिली डॉक्टर या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटिक्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपने मन से कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहां पर बताएं। कैंडीपोर्स 200 एमजी कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।